फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम बताने वाले हैं हिंदी ए के आंसर सारे बीकॉम प्रोग्राम वालों के। तो हिंदी ए के आंसर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप अपने कोड मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद देन आपको जो हिंदी ए के पहला आंसर है, मैं आपको सारे आंसर लाइन वाइज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना कोड देख लो, कोड बता देता हूँ आपको। ये आपका कोड है, ठीक है, 5205। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सबसे पहले हम बताएंगे लाइन से, नाटक के तत्व पर प्रकाश डालिए। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट आंसर है आपका वो पूरा यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, नाटक के तत्व। नाटक के टोटल से 6 तत्व होते हैं, यहाँ पे 6 तत्व बता रखे हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ही उतार लेना। यहाँ पे आपको रुक जाना है, इस जगह पे आपका आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम बताने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, हिंदी उपन्यास के विकास। और चलते हैं आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट करना है, ये हिंदी उपन्यास के विकास है, ठीक है। पूरे के पूरे मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ से आपको लिखना सारा। और अगर भाई किसी को भी वीडियो में नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ 720 पिक्सल क्वालिटी में करके देखना, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगा, सारी चीज़ आपको क्लियर दिख जाएगी उसमें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना नेक्स्ट आंसर्स के लिए। सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन आपको यहाँ तक लिखना है और इसके बाद आपको रुक जाना है यहाँ पर, यहाँ पे आप रुक जाना, यहाँ पे आपका आंसर नंबर जो सेकंड है वो ख़त्म। तो अब हम बताने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, नमक का दरोगा, कहानी की मूल संवेदना को बताइए। चल हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5th के आंसर की तरफ, नमक का दरोगा। आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। यहाँ से आप लिखोगे पूरा। अभी आपको इस जगह पर यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है इस जगह से। और यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ पे रुक जाना है, फिर आपका जो आंसर नंबर 5th है वो यहीं पे ख़त्म। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम बताने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4th मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, जमुना के तीरे तीरे निबंध पर प्रतिपाद्य लिखिए। अब चलते हैं आंसर पे। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए आंसर नंबर 4th पे, जमुना के तीरे तीरे निबंध पर जो प्रतिपाद्य लिखना था आपको, तो यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस जगह से लिखना है पूरा, यहाँ से, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे तो ये आपको पूरा नीचे तक लिखना है सारा का सारा ऐसे ही। आपका ये चौथा आंसर है, चारों आंसर प्रोवाइड कर दिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और कमेंट करते हुए जाना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की तरफ। ये सारा आपको लिखना है नीचे तक। लास्ट में आपको यहाँ पर रुक जाना है, इस जगह पर आपका जो आंसर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।